दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बीच मैदान में कोहली बन गए धोनी और ऐसा चमत्कारी DRS ले डाला कि भारत हारे हुए मैच में जीत चुका है। आखिरकार कैसे दोस्तों विराट कोहली के DRS ने मैच को पलट कर रख दिया और साथ ही साथ रोहित भी क्यों दंग थे। दोस्तों इस पूरे वाक्य का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित कोहली और धोनी में अब तक का सबसे बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में सीरीज का पहला टेस्ट मैच अब बहुत ज्यादा रोमांचक हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहला दिन का खेल भले ही हमारा नहीं था, लेकिन दूसरे दिन के खेल में भी ना अफ्रीका के नाम ही शुरुआती दौर में बाजी रही। 200 बल्लेबाजी में हमारी टीम की तरफ से आंकड़े तो केवल KL राहुल के ही थे, उनके 101 रन टीम की इज्जत को बचाते हुए 245 तक ले गए। उल्टा 200 अफ्रीका की टीम के अर्ली विकेट्स लेने की बजाय हमारे गेंदबाजों ने बस एक विकेट लेकर सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी मानो जैसे। और दोस्तों आपको बता दें कि केवल एक खिलाड़ी ने फिर साउथ अफ्रीका की तरफ से मैच को पलटा भी, डीन एलगर की बात करें जिन्होंने 139 रन लगाए और बाकी खिलाड़ी भी 30-32 रन तो बनाकर जा ही रहे थे। हाँ बीच में बुमराह ने जरूर कमबैक करना चाहा, लेकिन डीन एलगर को कोई हिला नहीं पा रहा था। और दोस्तों इस बीच ना मैदान में काइल नाम के खिलाड़ी भी आ चुके थे, वैसे तो ये धाकड़ बल्लेबाज और विकेटकीपर भी, और अगर डीन एलगर इनके साथ मिलकर पार्टनरशिप बनाते ना तो पॉसिबल था कि वो 200 या उससे भी ज्यादा रन अकेले बना जाते। और दोस्तों इसी बीच ना एक ऐसा वाक्य होता है जब विराट कोहली इस पार्टनरशिप के बनने के सपने को ही तोड़ कर रख देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पूरा वाक्य पारी के 62वें ओवर का है। गेंदबाजी कर रहे थे दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा और इस ओवर में कोई कुछ खास रन उनके खिलाफ लगा नहीं पाया था। तभी दोस्तों विराट कोहली प्रसिद्ध कृष्णा को एक इशारा करते हैं बैक ऑफ द लेंथ गेंद डालने का और वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। आउटसाइड ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा इस गेंद को डाल भी देते हैं और ज्यादातर खिलाड़ी जैसे कि इस मैदान पर आउट हो रहे हैं कि वो अपने बल्ले का एज देकर विकेटकीपर को गैर समा दे रहे हैं, ठीक 200 खिलाड़ी काइल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। काइल वरन के बल्ले पर गेंद लगकर 200 सीधा चली गई KL राहुल के हाथों में और वो कैच आउट हो ही गए थे क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने तो अपील कर दी थी, लेकिन 200 मैदानी अंपायर तो यहां भी भारत के खिलाफ ही अड़े रहे जैसे कि वो डीन एलगर के केस में अड़े हुए थे। लेकिन 200 विराट कोहली के आगे किसी की नहीं चलती और इस बार तो धोनी बनकर विराट कोहली ने फिर एक क्षण का वक्त नहीं लिया और सीधा धोनी के अंदाज में ना देखिए किस तरीके से DRS रिव्यू की मांग क्या डाली। बस फिर क्या होना था, फैसला पहुंच गया सीढ़ियों से ऊपर और थर्ड अंपायर ने जब इसका रिव्यू किया ना तो बड़े पर्दे पर देखा गया कि कोहली तो पूरी तरीके से सही है। और तब दोस्तों थर्ड अंपायर ने एक क्षण नहीं लिया कोहली के हक में फैसला सुनाने के लिए और फिर मैदानी अंपायर को ना अपने कंधे और सर दोनों झुकाकर कोहली के हक में ही फैसले को सुनाना पड़ा। वैसे दोस्तों कोहली के इस DRS फैसले को ना हर कोई बहुत पसंद कर रहा है, खासतौर पर रोहित शर्मा तो बहुत खुश थे क्योंकि ये पार्टनरशिप टूटते ही भारत को एक अच्छी खासी बढ़त मिल गई थी और रनों में रुकावट है। फिर भी दोस्तों कोहली के इस धोनी जैसे DRS को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।